भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक रहे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण अडवाणी द्वारा हाल ही में एक ब्लॉग लिखा गया है। उस ब्लॉग में उन्होंने पार्टी को लेकर कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है, नेशन फर्स्ट पार्टी नेक्स्ट सेल्फ लास्ट, राष्ट्र सबसे पहले फिर पार्टी और आखिर में खुद। सभी परिस्थितियों में मैंने सिद्धांत का पालन करने की कोशिश की है और आगे भी करता रहूंगा। भारतीय लोकतंत्र का सार विविधता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान है। अपनी शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को कभी अपना शत्रु नहीं समझा जो राजनीतिक रूप से हमसे असहमति रखते थे, हमने उन्हें केवल अपना प्रतिद्वंदी ही माना। इस तरह भारतीय राष्ट्रवाद की हमारी अवधारणा में हमने कभी राष्ट्र विरोधी नहीं माना उन्हें, जो राजनीतिक स्तर पर हमसे असहमत रहे हैं। पार्टी व्यक्तिगत और राजनीतिक स्तर पर प्रत्येक नागरिक की च्वाइस पसंद की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी और राष्ट्र के बृहत्तर परिदृश्य पर लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा भाजपा की गौरवपूर्ण विशेषता रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा मीडिया सहित हमारे सारे लोकतांत्रिक संस्थानों की स्वतंत्रता, निष्ठा, निष्पक्षता और मजबूती की रक्षा करने में सबसे अग्रिम मोर्चे पर रही है। राजनीतिक और चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता, जो कि भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति के लिए बहुत आवश्यक है, इस पर भी ध्यान देना हमारी पार्टी के लिए एक अन्य प्राथमिकता रही है। मेरी पार्टी के संघर्ष से भरे विकास को हमने दिशा दी है। ये सभी मूल्य आपस में मिलकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सुराज का निर्माण करते हैं। कुल मिलाकर लाल कृष्ण अडवाणी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के पहले लिखे गए इस ब्लॉग को लेकर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।